खेतड़ी तहसील के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद नेत्र बांध सिंह का मनाया शहादत दिवस। खेतड़ी उपखंड के गाडाटा में शनिवार को शौर्य चक्र विजेता शहीद नेत्र बांध सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करणी सेना जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह फौजी थे। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र खटाना पृथ्वी सिंह थे, जबकि अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने शहीद की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। आज शहीद नेत्र बांध सिंह जी की 30वीं पुण्यतिथि है और अवंतीपुर में इन्होंने बड़ी बहादुरी से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और हमारे राष्ट्रपति ने शंकरदयाल शर्मा ने इनको शौर्य चक्र से नवाजा था और ये प्रथम शौर्य चक्र थे हमारी खेतड़ी तहसील के। और आज हम सारे ग्रामवासी मिलकर के और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज इनको नमन करने के लिए आए। खाद्य सुरक्षा की टीम ने मुख्य बाजार में दबिश देकर दुकानों के लिए सैंपल। शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार देर शाम को खेतड़ी मुख्य बाजार में दबिश देकर दुकानों पर सैंपल लिए। इस दौरान अचानक त्यौहार पर खाद्य सुरक्षा की टीम आ जाने से ग्रामीणों में विरोध फैल गया, जिस पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। CMHO राजकुमार डांगी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर त्योहारों को देखते हुए शुद्ध के युद्ध अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान किसी प्रकार की मिलावट होने की सूचना पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित की गई टीम द्वारा जिले भर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिलावटी सामान की सूचना पर खेतड़ी कस्बे के मुख्य बाजार में टीम पहुंची, जहां एक किराने की दुकान पर घी की जगह पॉम ऑयल बेचा जा रहा था, जिसका सैंपल लिया गया। इसके अलावा हल्दी व अन्य वस्तु का भी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है आमजन को शुद्ध एवं बेहतर क्वालिटी की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से लालच के चक्कर में मिलावटी सामान बेचकर राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार की ओर से चलाए गए शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत इन लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाजार में अचानक खाद्य सुरक्षा की टीम आने से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया, तो मौके पर स्थिति को देखते हुए मुख्य बाजार में पुलिस को बुलाना पड़ा। सूचना पर CA विनोद साख लंबे जाब्ते के मौके पहुंचे तथा उपस्थित व्यापारी व ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को संभाला। इस मौके पर BCMO डॉक्टर ऋषि यादव भी शामिल रहे। उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर हम जिले में कार्रवाई कर रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और त्यौहार पर मिलावट की आशंका को देखते हुए सघन रूप से चलाया जा रहा है। तो आज हलवाई मेन मार्केट में उसके यहाँ से जो घी के नाम पे रिफाइंड पाम ऑयल बिकता है उसका एक ब्रांड है उत्तम, उसका नमूना लिया है और एक हल्दी पाउडर का नमूना लिया है। दोनों नमूने को जांच के लिए जयपुर लैब में भेजेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और खेतरी में धनतेरस पर ज्वेलरी की दुकानों पर उमड़ी भीड़। दीपोत्सव के त्यौहार पर बाजारों में भीड़ भाड़ व रौनक शुरू हो गई। धनतेरस पर खेतड़ी नगर की ज्वेलरी की दुकान पर दोपहर से ही भीड़ नजर आने लगी। कॉपर सुभाष मार्केट JD ज्वेलर्स पर ग्राहकों की भीड़ रही। ज्वेलरी शॉप संचालक जीतू सोने ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को लेकर पहले से ही हमने तैयारी कर रखी है, क्योंकि 2 साल का तक कोरोना की वजह से ग्राहकी कम थी, इस बार ग्राहकी अच्छी होने की संभावना है। इस बार दिवाली पर अच्छी तैयारी की है, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, चांदी के चौपड़े और भी बहुत सी चीज़ें जो घर में सजावट और पूजा के काम में आती हैं, वो सभी तैयारियां की है। और इस बार उम्मीद है कि पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद में पहली दिवाली है जो धूमधाम से मनाई जा रही है, तो हमें उम्मीद है कि बम्पर कस्टमर आएंगे और बम्पर कस्टमरों की डिमांड की पूर्ति की। आज धनतेरस पे चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के और चांदी की मूर्तियां, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों जैसे कस्टमर आने का। दीपावली पर मिट्टी के दीपकों की हो रही बिक्री। भारत एक त्योहारों का देश है और यहाँ पर हर त्यौहार सभी देशवासी बड़े हर्षोल्लास और रंग बिरंगे तरीके से मनाते हैं। पहले जहाँ भारतीय त्योहारों पर चाइनीज में बने सामानों का वर्चस्व कायम रहता था, चारों तरफ चाइना से बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वह रंगीन झाल रखे हो, मोम की बने कैंडल या दीपक हो या फिर भगवान की मूर्तियां हो, हर तरफ बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार रहती थी। लेकिन कोरोना के बाद अब भारत में त्यौहार वापस अपने परिवार पर चढ़ने लगे हैं, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सरकार की भी कोशिश है, लेकिन भारतीयता का एहसास भी है। अब लोग भारतीय सामानों की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान खरीद कर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। की तरफ अब लोग वापस लौट रहे हैं,
पहले जहाँ दीपावली पर होली पर जो भी भारतीय पर्व आते थे उसमें चाइनीज झालरों की और दीपक चाइनीज जो दीपक आते हैं जो कैंडल मोमबत्ती से मोम से बने आते हैं उनकी लाइन लग जाती थी बाजार में से पट जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री की मुहिम का समझो या लोगों का देश के प्रति प्यार समझो, अब बाजार के अंदर पुरानी अपनी वही दीपक वही भारतीय स्वदेशी से बने झालरें वही लटें वही फरियाँ, मतलब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर एक नया क्रांति का सूत्रपात हो रहा है और लोग भारतीय चीज़ों को जो भारतीय चीज़ें यूज कर रहे हैं वो भारतीय उत्पादों का बिक्री ज़्यादा हो रही है। दीपों के त्यौहार पर इस बार दीपों की अच्छी बिक्री हो रही है। दीपक बैठे बाजार में लोग दीपक खरीदने आ रहे हैं। लेह प्रभारी ने अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों को मिठाई भेंट कर शुरू की अनूठी पहल। राज्य अजीत अस्पताल में लेह प्रभारी ने संविदा कर्मियों को दीपावली के त्यौहार पर मिठाई भेंट कर अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने कर्मचारियों को दिवाली का त्यौहार पर उपहार स्वरूप मिठाई बांटी है। तकनीकी सहायक अशोक कुमार दोसानिया ने बताया कि राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना में काम करने वाले संविदा कर्मी अल्प मानदेय के कार्य कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं जो पिछले करीब 10 सालों से सरकार की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में एक अधिकारी के रूप में होते हुए इन अल्प मानदेय काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। संविदा कर्मी संघ के तहसील अध्यक्ष संजय कुमार मौर्य ने बताया कि वह पिछले काफ़ी समय से सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में काम कर रहे हैं, नियमित करने की मांग को लेकर कई बार राज्य सरकार को अवगत भी करा चुके हैं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर राजकीय अजीत अस्पताल खेतरी में टीए के पद पर कार्यरत अशोक कुमार दोसानिया ने संविदा कर्मचारियों को लेब और एक्सरे में अपनी तरफ से मिठाइयां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है और साथ कदम मिलाकर साथ चलने का संकल्प लिया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में आप लगे हुए हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार की यही है कि हमें 10 साल काम करते हुए हो गए, सरकार अब हमारी तरफ देखे और परमानेंट करे।